जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय के सभागार में किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा, अपर जिला जज व नोडल अधिकारी मनोज कुमार राय, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक देवेंद्र सिंह, न्यायाधीश सुशील, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल सिंह सहित अन्य न्यायाधीश व अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ द्वारा मतदाता शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। मतदाता जाति धर्म भेद भाव संप्रदाय से हटकर वोट करे और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने कहा, आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ण जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी रोगन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रीय तमाम चुनाव ऐसे होते हैं कि जो हमारी प्रणाली है वो थीटा व्यवस्था में चले जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। केंद्र पर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं या विधानसभा के होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, सब एक व्यवस्था है, एक बड़ा फंड इसमें जाता है। हम सभी लोग कोई भी चुनाव हो, हम किसी भी व्यक्ति को ईमानदार हो, अच्छी छवि का हो, जो देश का विकास कर सके, देश के लिए आवाज उठा सके, तो जाति धर्म और किसी भी प्रकार से ऊपर हो, जाति धर्म भाषा के अंदर क्षेत्रवाद ये किसी भी चीज को मानकर मानवीयता एवं व्यक्तित्व के आधार पर वोट दे। कोई ऐसा व्यक्ति तो जो देश को चलाए, ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो के लिए आपके इनके लिए लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति पर न जाना, उसके धर्म पर नहीं जाना है। और हमको वोट अवश्य देना है, वोट न देना हो सकता है कि ये अपराध बन सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, ऐसा कोई अधिनियम भी आ सकता है कि जो वोट नहीं डालेगा वो एक तरह से अपराध कायम करेगा। इसलिए वोट हमको डालना है। देश की जितनी आर्थिक व्यवस्था है, जितनी पूंजी है, इसकी हमारी जो गाड़ी कमाई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यही ऐसा उद्देश्य है, यही हमारे केंद्र से उठा नहीं आया है, राज्य तक आया है, इस पर जिला स्तर पर भी आया है। हर जगह शपथ ले रहे हैं, शपथ की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पड़ेगा वोट नहीं डालना है, वोट बैंक को महत्व नहीं है, वोट डालना है, ध्यान रखें वोट बन जाए। धन्यवाद, यही बोला था। मतदाताओं को पहचान कराया जा रहा है और नमक भी कराया जा रहा है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, तहसील प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, इस वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारीगण, मीडिया को, हमारा कार्यक्रम है वो मतदाता शपथ कार्यक्रम है, जो लोगों के द्वारा व लोगों के लिए शासित होता है। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा यह दायित्व बन गया है कि हम वोट दें और इस डेमोक्रेसी में सक्रिय रूप से भागीदारी। इस कार्यक्रम के अंत में मैं यहाँ उपस्थित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतदाताओं को आज मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गई। इसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण तथा हमारे तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी को शपथ दिलाई है और उनको यह शपथ में बताया गया है कि जितनी लोकतांत्रिक मर्यादा है उनको ध्यान में रखते हुए जाति धर्म समुदाय भाषा क्षेत्र बात सब का ध्यान रखते हुए और उसमें इनमें इन्वॉल्व न होते हुए केवल व्यक्ति परख पर अच्छे व्यक्तित्व को और मर्यादा में रहते हुए और बिना किसी प्रलोभन के मत डाला जाए, राष्ट्र का देश का उत्थान होगा, देश की स्वतंत्रता अक्षुण बनी रहेगी। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा
हमारे स्वयं वॉलेंटियर सोशल रिफॉर्मर्स ने इस बात को बड़े पैमाने पर उठाया कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो मतदान नहीं दे रहा है, क्योंकि बुद्धिजीवी जब मतदान करेगा तो बाकी सही व्यक्ति को लाएगा। कभी कभी प्रजातंत्र की जो व्यवस्था के बारे में बहुत जानते नहीं है, वो दबाव में आकर प्रलोभित होकर किसी को भी मतदान दे देते। इसलिए हमें जागृत होना है कि किसी भी स्तर पर, चाहे केंद्र से या राज्य का, जो पार्लियामेंट के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या क्षेत्रीय समितियों के चुनाव हो या विधान यहाँ पर हमारे किसी भी थ्री टायर व्यवस्था में कोई भी हमारी जो चुनाव की शैली है, चुनाव की व्यवस्था है, उसमें अगर चुनाव डालने के लिए हमको बुलाया जाता है तो हम उसमें चुनाव में उसमें सम्मिलित होंगे और हम उसमें वोट डालेंगे। धन्यवाद सर। उन लोगों से क्या कहेंगे जो वोट डालने नहीं जाते हैं, घर में बैठते हैं और टीवी देखते हैं? वोट डालने नहीं जाते हैं उनको, जो टीवी देखते रहते हैं उनको या तो इस बात का कोई ध्यान नहीं है कि देश किस मोड़ पर जा रहा है, उनके वोट न डालने से राष्ट्र को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये शपथ दिलाई जा रही है कि टीवी न देखें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने दायित्वों को, उत्तरदायित्वों को निभाएं, इसलिए तो ये शपथ दिलाई गई है। दूसरा, आपने कहा है कि अगर वोट न डाले तो क्या करेंगे, तो कभी अभी अपराधिक नहीं बनाया गया है ये, इसके लिए कोई अधिनियम जरूर ऐसा आना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम उन्हें गंभीर रूप से उन्हें बड़ा एक अर्थदंड लगा करके ये महसूस करा देना चाहिए कि ये आप जो नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है, एक काम करना अपराध होता है और एक काम नहीं करना अपराध होता है, तो वोट न डालना ये अपराध है और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और अपराधी की तरह से आदमी ट्रीट होना चाहिए, अदरवाइज गलत लोग आ जाएंगे सत्ता को चलाने के लिए और गरीबों की और लोगों की गाड़ी कमाई को ऐसे ही खा पी जाएंगे। देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्तम चरित्र के लिए ये आवश्यक है कि मतदाता को सजग होना चाहिए और मतदान डालना चाहिए। है, धन्यवाद।